मम्मा इससे अच्छा तो कुछ और ही ले लूँ, है ना? इसे तो मलाई वाली चोको शुगर फ्री, मलाई वाली शुगर फ्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जुलाई का मंथ स्टार्ट हो गया, यानी कि मेरा बर्थडे मंथ, और मम्मा के हिसाब से ना मेरा बर्थडे काउंटडाउन भी शुरू हो गया। उन्होंने कुछ ड्रेसेस मंगाई हैं मेरे लिए, मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैंने खोल ली, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या मंगाया मेरे लिए। चलिए मेरे साथ। सो, ये हैं कुछ ड्रेसेस जो मॉम ने मेरे लिए ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, बट अभी ये सब आया था, मैंने खोल लिया, मुझसे सब्र नहीं हुआ। सबसे अच्छी मुझे ये ड्रेस लगी, ये मैंने अभी ट्राई नहीं की बट मैंने ओपन करके देखा था तो मुझे बहुत ही पसंद आया। ये मैंने आज ट्राई की थी, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आई, इसमें साथ में मास्क भी है तो मैचिंग मास्क मिल गया मुझे इसमें। इसके अलावा मम्मा ने मेरे लिए नाइट सूट मंगाया है, ये एक और ड्रेस है, मैंने अभी ओपन नहीं की, और इसमें भी कुछ है, ये शायद नाइट सूट है लेकिन अभी मैंने ट्राई नहीं किया। और आज ये आया है कुछ अमेज़ॉन से, ये मैंने अभी ओपन नहीं किया है, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। कुछ मेरे काम का ही मंगाया होगा मम्मा ने पक्का। ये थी कुछ ड्रेसेस जो मम्मा ने मेरे लिए मंगाई हैं। मन तो बहुत कर रहा है ये सारी ड्रेसेस मैं आप सबको पहन के दिखाऊं, बट बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अलावा भी और कुछ गिफ्ट्स आए हैं जो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को भेजे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बर्थडे वाले ब्लॉग में। अभी बर्थडे को काफ़ी टाइम है, 17th को है, तो तब तक देखते हैं और गिफ्ट्स आ जाएँ, तब साथ ही दिखाऊंगी। हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं फैमिली के साथ बर्थडे ना करने। यस, क्योंकि हम बहुत टाइम से जा नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से, घर पे जोमेटो पे मंगा रहे थे, लेकिन अब थोड़े केसेस कम हुए तो हम जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन भी खुल गया है तो सोचा क्यों ना जाया जाए। हाँ, चलो यार चलते हैं। मिलते हैं आपको वहीं पे। मम्मा क्या ऑर्डर कर रहे हो फिर? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कुछ भी मंगा लो, तुम बताओ क्या खाना है। वेज में बट कुछ भी खा सकते हैं। तुम्हारा तो हरियाली कबाब। हाँ, मेरा फेवरेट तो हरियाली कबाब है। अनमोल का बहुत चली थी, अनमोल का फ्रेंच फ्राइज। अनमोल आज भी फ्रेंच फ्राइज खाने वाले हो? नहीं। क्या डिसाइड किया आपने? मीट मसाला दाल। मसाला रोटी। चलो, एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कम से कम, वो तो मेरी फेवरेट है। अब देखते हैं पापा और अनमोल ने क्या डिसाइड किया। मैं तो कुछ भी खा लूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो मेन कोर्स में पहुँच गई, सोच रही सैलड ही ऑर्डर कर दो कुछ। वैसे तो डाइट होती नहीं है। हाँ, घर में भी कभी कभी कुछ ना कुछ हम बना ही लेते हैं, चीट डे हो जाता है। एक तो अनमोल की वो आएगी, पनीर काली मिर्च, पनीर काली मिर्च और एक बटर, एक बार रोटी वो मसाला। हम लोग आ चुके हैं एनजीआर डिनर करने। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, अनमोल यहाँ पहले भी आ चुका है, तो देखते हैं यहाँ का डिनर कैसा होगा। हमने ऑर्डर कर दिया है बट आप लोगों के लिए हम अच्छे से शूट कर रहे ताकि आपको दिखा पाएँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा बना है। वैसे यार ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना हुआ है, इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा करा है। अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत क्लासी लुक है। जैसा कि मुरादाबाद में ऐसे रेस्टोरेंट बहुत कम दिखते थे, और ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली या मुंबई आए हैं। वैसे स्टाइल का बना रखा है, इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, आपको दिखाते हैं। हम देखो, आप ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतनी फ़ोटोज़ क्लिक कर चुकी हूँ बट ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अब क्या करिए, फोटो से सेटिस्फाई नहीं होता। फोटोज़ खींची हैं आपने? पांच फ़ोटोज़ गिनती की? पांच फ़ोटोज़, इतनी फ़ोटोज़ क्लिक हो गई उसके बाद भी मैं तो दो तीन फ़ोटोज़ क्लिक कराती हूँ, चलो ठीक है। दस फोटोज़ आपकी खींच चुका था मैं। दस फोटो नहीं, सिर्फ दो तीन खींचता हूँ। सही है, आप ऐसी कुछ भी खींच के? हाँ, तो मैं भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं भी अच्छा क्लिक करती हूँ, ऐसा नहीं है। पोज में प्रोफेशनल हो बस,
और ये आ गया हमारा डिनर, पनीर बटर मसाला, पनीर काली मिर्च। हमने स्नैक्स में कुछ ऑर्डर नहीं किया क्योंकि हैवी हो जाता है इतना कुछ खाओ तो। और ये आ गई है चपातीज और मामा की मसाला रोटी। पापा कैसा लगा खाना? खाना बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? अच्छा लगा। वैसे हमें सिर्फ राजमहल की काली मिर्च पसंद आती है, बट यहाँ की भी अच्छी लगी। मम्मा कैसा लगा खाना? मसाला रोटी मेरी ज़्यादा फेवरेट है ना। मसाला रोटी अच्छी लगी ना? मैंने भी फर्स्ट टाइम खाई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी मसाला रोटी। मम्मा स्वीट में क्या खाओगे? आइसक्रीम। मेरा भी आइसक्रीम का ही मन कर रहा था। यही पे खाना है, बाहर चले? बाहर खाएंगे। बाहर मेरा गैस हो जाएगी ना, रुक पाएंगे। चलो बाहर चल के खाते हैं। पापा खाना खाते हैं। ठीक है। और आप क्या खाओगे स्वीट में? आइसक्रीम। आइसक्रीम पापा आप घर पे हलवा बना लो। हलवा पापा को मेरी तरह हलवा पसंद है। यार बंद हो गया होगा। हाँ लॉकडाउन लग गया होगा अब तो। चलो देखते हैं मिल जाएगा तो खा लेंगे, तो हलवा है। हाँ शनि अनमोल आइसक्रीम खाने। हाँ लेकिन शायद हमारी फादर जी बार डाइट होने वाली थी। क्या फादर जी के बाद आप डाइट करने वाले थे शायद? याद नहीं आ रहा, मैंने कहा था ऐसा? मैंने कहा था ऐसा फादर डे के बाद डाइट होगी? मुझे याद ही नहीं आ रहा कब कहा। कोई बात नहीं, मैं भी पहले अभी चीज़ें बनाते हैं थोड़े। मैंने आपको बताया था ना 6 दिन चीज़ें, 1 दिन डाइट है। हाँ ऐसे करके शुरू करेंगे ना धीरे धीरे। हाँ। आगे बढ़ेंगे। नहीं अब सिर्फ संडे को चीट डे रहा करेगा, बाकी दिन डाइट। आज से पक्का, मतलब सिर्फ संडे को डाइट है बाकी। नहीं शुगर फ्री नहीं है तो फिर कहीं और चलते हैं। हाँ शुगर फ्री खाते हैं। आगे देखते हैं। आगे नहीं मिली शुगर फ्री के चक्कर में आइसक्रीम मिली, अब आगे नहीं मिली फिर वापस आएंगे, फिर यहीं खा लेंगे, है ना? मैं आपको शुगर फ्री नहीं खानी, कोई सी भी आइसक्रीम खानी है मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और नहीं मिली ना वापस आएंगे यहीं पे। हाँ नहीं मिली तो यहीं आ जाएंगे फिर, और क्या करें, कोई तो वापस आना। यार समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ मलाई तो शुगर फ्री चॉकलेट वाली। मम्मा इससे अच्छा तो कुछ और ही ले लूँ, है ना? मलाई वाली शुगर फ्री मलाई वाली फ्री होती है ना। एक मलाई फ्री की कब से होने लगी? मलाई फिर क्यों, मलाई फ्री होती है। डाइट वाली कह सकते हो तुम, डाइट की नहीं है। और कोई डाइट वाली आइसक्रीम नहीं होगी? ये लो आप, कौन सी ये डाइट वाली है? फ्रेंड्स हमें कोई डाइट वाली या फिर शुगर फ्री तो मिली नहीं है, तो हमने यही ले लिया है, चॉकलेट कॉर्न आइसक्रीम और क्रंची चोकोबार। और पापा कुल्फी खा रहे हैं। शुगर फ्री है, शुगर फ्री, शुगर फ्री कुल्फी। हाँ। वो भी मलाई वाली। हाँ। बहुत टेस्टी, तो यही ले, बहुत टेस्टी है ना बस। हाँ अनमोल आप क्या ले रहे हो? मैं कुछ भी नहीं लूंगा। क्या कर रहे हो? गिटार बजा रहा हूँ। देख रहे हो आप सब लोग, मैंने आके चेंज भी कर लिया, मैं सोने जा रही हूँ और ये आते ही सर तो गिटार बजाने बैठ गए। तो मैंने गाना है, मेरे को अच्छा लगा तो मैं देख रहा हूँ बजा के। हाँ अब क्या करोगे, क्लब हाउस में जाओगे, है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर, और एज यूजुअल अनमोल बिजी हो गया अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस में। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, जैसे आपने देखा ही होगा डिनर, फोटो सेशन इतने टाइम बाद किया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।